केंद्रीय मंत्री उमा भारती को भोपाल जिला अदालत में तिरंगा अपमान मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। गुरुवार को इस मामले में पेश होने के लिए उमा भारती सुबह ही भोपाल पहुंच गई थी। अदालत ने कांग्रेस नेता दीपचंद यादव की याचिका को खारिज करते हुए उमा भारती को आरोप मुक्त करार दिया। 90 के दशक में हुबली में जलियांवाला बाग तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में राष्ट्रध्वज के अपमान को लेकर उमा पर मामला दर्ज किया गया था। अदालत से दोष मुक्त होने के बाद उमा अपने निवास पर मीडिया से रूबरू हुई। कई मुद्दों पर बात करते हुए उमा भारती ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सरकार बनाने को सभी के लिए सकारात्मक बताया और कहा कि ये देश और दुनिया को संदेश है कि उसके लिए कोई अछूत नहीं है। राज्य में व्यापम घोटाले पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि व्यापम की एक्सेल शीट में उम्मीदवार की सिफारिश करने वालों में उनका नाम भी शामिल है, जिसमें अभी तक एसटीएफ ने उनका बयान दर्ज नहीं किया है। मैं हुबली गई थी तो वहाँ रेलवे स्टेशन पर भीड़ मुझे लेने आई तो उन्होंने मुझे तिरंगा भेंट किया, तो तिरंगा थोड़ा लुढ़क रहा था तो मेरा बायां हाथ लग गया था उसको, तो आउटलुक पत्रिका में छपा और उसमें ऐसे लगा जैसे मान लो मैं गलत तरीके से तिरंगा पकड़े हुए हूँ।